मेरा नाम नवीन है और मैं SMIT का स्टूडेंट हूँ। 4 महीने पहले SMIT मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे सिर्फ बेसिक नो हाउ थी कंप्यूटर के बारे में, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में इतना नहीं जानता। लेकिन अब माशाल्लाह मेरा स्किल काफ़ी डेवलप हो चुका है और ये सारा क्रेडिट जाता है SMIT को। सर मसरूर साहब, थैंक यू सो मच। और जो मैंने कुछ काम किया है क्लाइंट का, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लाइंट ने एक मुझे ब्रीफ सेंड की थी। इसमें इनके कंपनी है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो है ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और लोगों के हवाले से उन्होंने मुझे कहा है कि एक तो पी इसके अंदर डिफाइन करता है, पी जो है इसके अंदर प्रेजेंट करता है, क्योंकि पावर का जो फर्स्ट लेटर है वो पी है, उसको एक तो डिफाइन करना। दूसरा इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्योंकि प्रोजेक्ट है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी इसमें शो करानी है। तो इन्वेस्टमेंट को शो कराने के लिए मैंने ग्राफ का इस्तेमाल किया है, अप डाउन एरो ग्राफ इस तरह का यूज होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से, जैसे रीयूजेबल एनर्जी या आप कह सकते हैं इको फ्रेंडली एनर्जी जो होती है, उसका हमने डिफाइन किया इसको लीफ के जरिए। ठीक है सर, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो बना है वो आपके सामने है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो लोगो बनाया है उसमें किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले पी ले जा रहे जो कि लीफ को भी शो करा रहा है, और उसका जो नीचे एक पार्ट मैंने लगाया वो पी को शो करा रहा है। आगे सस्टेनेबल एनर्जी के हवाले से लीफ को शो करा रहा है, फिर फाइनेंस के हवाले से ग्राफ इसको ग्राफ शो करा रहा है। अगर नीचे देखें वेरिएशंस में, दो वेरिएशंस मैंने इनको सेंड किए हैं, ह्यू में आ जाए ब्लैक एंड वाइट और मल्टी कलर, इस तरह से इनको मैंने करने की कोशिश की है। तीसरी चीज़ फॉन्ट है, फॉन्ट मैंने यूज़ किया है मोंड, और इसी का मैंने लाइट प्रोजेक्ट यूज़ किया फॉन्ट का, और कलर जो मैंने यूज़ किया उनके कोर्स मैंने नीचे डिफाइन कर दिए। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी।